क्रिकेट मैदान में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी और एशिया कप 2022 के सबसे हाई वोल्टेज मैच का इंतजार सिर्फ भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट लवर्स को है। एशिया कप ग्रुप ए में आज दोनों ही टीमें आमने सामने होंगी। करीब 9 महीने बाद भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान में ये भिड़ंत देखने को मिलेगी। पिछली बार T20 विश्व कप 2021 में दोनों टीमें आमने सामने थी तो उस हार का बदला लेने आज भारतीय टीम मैदान में उतरने वाली है। 7 बजे मैच शुरू होगा लेकिन अभी से ही जो क्रिकेट लवर्स हैं उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं कि किस तरह से उनको मैच देखने के लिए स्पेशल इंतजाम पूरे देश भर में किए जा रहे हैं। और ओवरऑल अगर देखते हैं तो भारत और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो ये जज्बातों का मैच ज्यादा होता है, जज्बातों का खेल इसको ज्यादा कहा जाता है क्योंकि सारे मैचेस अलग, इंडिया का किसी और से मुकाबला हो, किसी और की टीम से मुकाबला हो तो इतना उत्साह क्रिकेट लवर्स में नहीं होता जब, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो वो जज्बातों का खेल उसको कहा जाता है। और इस मैच में इतना मादा है कि करोड़ों देश जो धड़कने हैं उनको थामने का मादा रखता है ये मैच। तो ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, जज्बातों का ये मैच होने जा रहा है। 7 बजे दुबई स्टेडियम में, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा लेकिन उससे पहले जो जोश है खास तौर पर भारत में वो पूरी तरह से हाई है। सभी ने अपनी तैयारियां लगभग कर ली है क्योंकि आज देखिए संडे भी है, छुट्टी भी है लोगों की, तो सब ने अपना इंतजाम कर लिया है मैच देखने के लिए। तो आज एशिया कप में दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने जा रहा है और इस महामुकाबले को लेकर दिल्ली के युवाओं में खासा जोश भी देखा जा रहा है। देखिए आप भी, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया। भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर भारत के लोगों में कितना जुनून जज्बा है आप देख सकते हैं कि इस समय आज बहुत सारे लोग हैं जो भारत और पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए यहां पर काफ़ी उत्साहित हैं। और ये सभी जो लोग हैं क्योंकि काफ़ी समय के बाद भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, UAE में एशिया कप शुरू हो चुका है और एशिया कप को लेकर जिस तरह से भारत पाकिस्तान का आज मैच है उसको लेकर लोगों का जो, ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान का आज मैच है किस तरह से देख। हम भारत और पाकिस्तान के जो मैच है आज हम कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हैं क्योंकि ये मैच हमारा ऐसे होता है जैसे फाइनल हो, ठीक है। और सारे लोग इस टाइम TV के आगे 6 बजे बिल्कुल ही बैठ जाएंगे, हम भारत और पाकिस्तान का मैच मिस ही नहीं करना चाहते जी। हमारा इंडिया ही जीतेगा, इंडिया 100% जीतेगा। भारत का मैच आज जो कि वर्ल्ड कप के अंदर एक मैच हुआ था उसके बाद आज मैच हो रहा है जो एशिया कप के अंदर काफ़ी दिनों बाद हो रहा है और लोगों को अंदर बहुत उत्साह है और हम भी इसको उत्साह को लेके चल रहे हैं कि आज भारत की जो जीत है सुनिश्चित है। और भारत के अंदर जो विराट कोहली और जितने रोहित शर्मा, हमारे सारे खिलाड़ी आज की डेट में फॉर्म में है और आज इंडिया जो है नंबर 1 पे चल रही है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सभी को हराकर आज इंडिया नंबर 1 पर है और मैं ये जानता हूँ कि आज भारत के अंदर जो भारत की आज़ादी के बाद 75वां जो अमृत महोत्सव के बाद आज जो मैच हो रहा है और हम उसको जश्न के साथ मनाएंगे और आज भारत की सुनिश्चित जीत है। बहुत उत्साह है जी हमारे को भी और देखने के लिए बेताब है हम और 6 बजे हम अपना TV पे बैठ जाएंगे। देखिए सर, मैं तो आज सुबह से यही सोच रहा हूँ कि जितने भी अपने काम हैं अपने घर के ख़त्म कर ले और शाम को 6-6:30 बजे से अपना TV के सामने बैठ के और इस मैच को देखने का पूरा एंजॉय करे जाए और उत्साह के साथ, और डेफिनेटली इंडिया विन होगा। संजय वर्मा, G News, दिल्ली। तो महामुकाबले को लेकर सभी ने तैयारी शुरू कर दी है और आपने सुना भी कि कोशिश है कि 6 बजे से पहले सारे काम निपटा लिए जाएं और उसके बाद तो TV के आगे बैठ जाना है
और तब तक ये मुकाबला खत्म नहीं होगा, किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेगा, तब तक टीवी के सामने से नहीं हिलना है। तो इस तरह की तैयारी ये दिल्ली में रह रहे लोगों की है जो हमने आपको दिखाई है, और कुछ इसी तरह की तस्वीरें आज देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह है। 10 महीने बाद ये मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। हालांकि इससे पहले जो मैच हुआ था वो हम हार गए थे 10 विकेट से, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी है कि उस हार का बदला आज चुकाना है, आज भारत को जीतना है और पाकिस्तान को हराकर एक सबक एक बार फिर से देना है। इंडिया।